और जो गया आ गए तो शास्त्र वायु पुराण ये कहता है कि गृहात चलित मात्रे न गया याम गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। जो इस पुण्य भूमि पर केवल आने का विचार ही करे घर से, गृह है कि घर के बाहर एक कदम रखना और पितृ देवताओं का एक एक कदम स्वर्ग के रास्ते में रखना प्रारंभ, जैसे वो घर के बाहर कदम बढ़ते हैं इस पुण्य भूमि पर आकर अपने सर्व पितरों की मुक्ति करते हैं। रात के 3 बजे अभी हम पहुंच गए हैं गया, और यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से बनाया गया है पितृपक्ष मेला को लेकर बहुत ही बड़ा कैंप है। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे दाहिने तरफ इधर सहायता केंद्र है, सामने देख सकते हैं कई सारा कैंप है जहाँ पे आपको रहने के लिए जगह है। वो आप ये देखिए, ये हेल्प डेस्क है, यहाँ पे आपको अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में जो है यहाँ पे कितना सारा और जितना भी नंबर है यहाँ के कांटेक्ट नंबर वगैरह सारा चीज़ यहाँ अवेलेबल है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एंट्री करना है, अपना आईडी प्रूफ वेरीफाई करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ से अलॉट होगा जिस जगह पे आपको जाके अपने बेड नंबर पे आराम करना है, तो वो भी देखेंगे हम। ये पितृपक्ष मेला 2024 बेड नंबर 237, ये पितृपक्ष मेला कितना अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा बनाया गया। और इधर विष्णु पद मंदिर का एक सिंबॉलिक मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, एम्बुलेंस भी लगे हुए हैं, और इधर सामने स्वास्थ्य शिविर भी है, और यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह भी जमा कर सकते हैं। यह सारा का सारा चीज़ जो है वो निःशुल्क है। तो चलते हैं अपने बेड पे और आराम करते हैं। तरीके से यहाँ पे बेड बाई बेड लगा हुआ है और लोग कर रहे हैं आराम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से लोग आराम कर रहे हैं, और सामने वहाँ शौचालय भी है आप देख सकते हैं। तो भाई 3 से ज़्यादा हो गया है तो हम कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। तो भाइयों, हम सो के उठ गए हैं और अब चलेंगे फल्गु नदी के तट पे, और वहाँ पे पितरों को कैसे पिंड दान किया जाता है वो सारा का सारा प्रक्रिया दिखाएंगे। तो अब तो दोस्तों हम आ गए हैं गया जी के देवघाट फल्गु नदी तट पे। आप देख सकते हैं सामने फल्गु नदी है, और यहाँ पे जो भी लोग अपने पितरों को तर्पण करने आए हैं, पिंडदान करने आए हैं, उन सारे लोगों की यहाँ पे अत्यंत भीड़ है, और इधर से विष्णु पद मंदिर लोग जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले फल्गु नदी में लोग स्नान करते हैं और फिर तर्पण करते हैं, और तर्पण से इसकी शुरुआत होती है। तो सर्वप्रथम लोग फल्गु नदी में स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी लोग आए हैं अपने पितरों को तर्पण करने, पिंडदान करने, वो सारे लोग स्नान कर रहे हैं। ये है फल्गु नदी, और यहाँ लोग तर्पण कर रहे हैं। तो देखिए स्नान के बाद लोग तर्पण कर रहे हैं। इन्हें खाना नहीं है, अच्छा विसर्जन करूं तक पिंडदान की प्रक्रिया क्या है, और लोग स्नान और तर्पण के बाद कैसे करते हैं पिंडदान, वो भी आप सब देखिए। देखिए यहाँ हो रहा है पिंडदान,
लोग अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों विष्णुपद मंदिर, ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ के अब हम लोग ऊपर चलेंगे। सारे लोग अब जो बचा हुआ पिंड है वो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे। विष्णुपद मंदिर में सारे लोग को देख रहे हैं कि अपने जो थाली है उसमें पिंड को अपने सर पे रख के लोग विष्णुपद मंदिर की ओर जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में ही ये गया जी है, गया जी मतलब सर्व पितरों की मुक्ति का स्थान, जहाँ सारे पितरों का मोक्ष है वो गया जी। ये भूमि है अर्पण तर्पण और समर्पण की, जहाँ यात्रीगण दूर दूर से आकर अपने पितरों की मुक्ति करते हैं। तो सर्वप्रथम वो स्नान नदी में भी करते हैं और जहाँ वो आवासन लिए हुए वहाँ भी करते हैं। स्नान के बाद तर्पण की विधान है जो नदी में भी किया जा सकता है, और जो स्थान पर वो पूजा कर रहे हैं वो स्थल पर भी वो तर्पण अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। तर्पण के बाद पिंडदान की महिमा है। पिंडदान तीन स्थान पर विसर्जन करना होता है, जो एकोदिष्ट श्राद्ध यानी एक दिन के अंदर श्राद्ध अपना पूरा करते हैं वो तीन स्थान पर करते हैं। यहाँ पे 17 दिवसीय यानी त्रिपक्षीय श्राद्ध भी लोग करते हैं जो 17 दिवस का होता है। 3 दिन का करते हैं, 7 दिन का करते हैं, 5 दिन का करते हैं, 9 दिन का करते हैं, 11 दिन का करते हैं। इस प्रकार से यहाँ विधान है। जिनको जो सुविधा हो या जिन्होंने जो अपनी धारणा घर से बनाकर चले हो कि हमें इस प्रकार से अपने पितरों की मुक्ति करनी है, तो उनके भावना से यहाँ पर आते हैं। और जो गया आ गए तो शास्त्र वायुपुराण ये कहता है कि गृहात चलित मात्रेन गया याम गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। जो इस पुण्य भूमि पर केवल आने का विचार ही करे घर से, गृहात चलित मात्रे न घर से, तो शास्त्र कहता है कि घर के बाहर एक कदम रखना और पितृ देवताओं का एक एक कदम स्वर्ग के रास्ते में रखना प्रारंभ, स्वर्गारोहण सोपानम, स्वर्ग में एक एक आरोहण लगनी शुरुआत हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है जैसे जैसे वो घर के बाहर कदम बढ़ते हैं। इस पुण्य भूमि पर आकर अपने सर्व पितरों की मुक्ति करते हैं और पितरों से वरदान स्वरूप भी यहाँ पाते हैं। ये फल उन्हें पितरों मोक्ष जब पा जाते हैं तो उन्हें वरदान स्वरूप 4 प्रकार की कामनाएं यात्रीगण करते हैं अपना, जो धन है, पुत्र है, भक्ति है और मुक्ति है। ये अंतिम प्रक्रिया यानी अक्षेवट में जो श्राद्ध होगा वहाँ ये अपनी कामना करते हैं, जो धन है, पुत्र, भक्ति और मुक्ति की कामना, और पितृ उनकी इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। जिनके कोई संतान नहीं है इस पुण्य भूमि पर आकर अपने पितरों की मुक्ति कर देते हैं, उनके घर में भी संतान परमात्मा और पितरों के कृपा के कारण आ जाता है। तो ये धरती बड़ी महत्वपूर्ण अपने पितरों के लिए है, क्योंकि 7 वंश और 121 पीढ़ियों का उद्धार माना जाता है गया जी, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया और आज तक अपने पितरों की मुक्ति है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में भी और कथाओं में भी। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कौशिक है, मैं यहीं गया जी से ही हूँ। अभी हम आ गए हैं विष्णुपद मंदिर के अंदर, और जितने भी यात्री हैं जो कि दूर दूर से आए हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए और पिंडदान के लिए, वो सारे लोग जो है सो तर्पण और पिंडदान के लिए अभी विष्णुपद मंदिर के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना पुराना मंदिर है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा भीड़ है। देखिए उतने सारे लोग अभी भी लाइन में है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दर्शन कर लिए विष्णुपद मंदिर, भगवान विष्णु का
और ये इसका निकास द्वार है। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर, चलते हैं। कितना प्राचीन मंदिर है दोस्तों, देखिए आप सब, कितना प्राचीन मंदिर है। तो ये विष्णुपद मंदिर है।